हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को राधे राधे। हम 3 दिसंबर की ये वीडियो है, मैंने थोड़ा लेट अपलोड किया है। हम जा रहे थे अपने दयाल दादाजी हमारे कुल देवी के मंदिर। ये हमारे गुड़गांव का टोल टैक्स था, जहाँ पे ब्रदर ने वहाँ पे फास्ट ट्रैक बनवाया था, तो ताकि थोड़ा इजी काम हो जाए, आगे के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और हमें बार बार रुकना ना पड़े। तो 3 दिसंबर की ये वीडियो थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने एडिटिंग करके रखी हुई थी बट अपलोड करने का टाइम नहीं था, तो आज मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। ये हम पहुँच चुके थे, मतलब गांव में एंटर कर लिया था हमने। यहाँ पे बीच में एक फाटक पड़ा था, फाटक से पास में ही बताया गया था। हमने जब पूछा था किसी से तो उन्होंने यही बताया था कि पास में ही है। और ये एक चौक था जहाँ से हमें टर्न होना था, जो कि फेमस है बट मैं नाम भूल चुकी हूँ, मुझे नाम याद नहीं है। और यहाँ पे मैंने पहले दादी के साथ ही आई थी एक बार, बहुत साल हो चुके हैं। उसके बाद हम आज आ रहे थे, जो हमें मौका आज ही मिला था। यहाँ पे मैंने ऊँट देखा, जो कि मैंने बहुत सालों बाद देखा। दिल्ली में तो कभी देखने को नहीं मिलता, तो गांव में ज़रूर दिख जाते हैं और राजस्थान साइड तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं, बट मैंने बहुत सालों बाद देखा ऊँट। ये यहाँ हम लोकेशन पर पहुँच गए थे, खैरतल जगह है वो। और यहाँ मम्मी सरसों तोड़ रही थी थोड़ी सी, साथ में ही बहुत बड़ा मतलब एक खेत था। तो और ये वो जगह है जो हमारे कुल कुल देवता जी का मंदिर है, ये दयाल दादा जी इस जगह। और ये खैरथल में है। और ये हम यहाँ पे, बल्कि जो हमारी मेन पूजा होती है वो धुलैंडी के दिन होती है, जब मतलब खेलने वाली होली होती है तभी होती है। बट धुलैंडी में बहुत टाइम था तो हमें मौका था, तो हम आज ही आ गए थे यहाँ पे। बट जब धुलैंडी होती है ना, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और उसी दिन इनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। तो ये मेरे दोनों भाई थे जो मम्मी आगे आगे थे, और ये बड़े वाला भाई है, इसको मैं कभी कैमरे में नहीं लेती क्योंकि इसको पसंद नहीं है, गुस्सा करता है। ठीक है ना, चारों तरफ बहुत बड़ा बगीचा था, यहाँ पे बहुत बड़ी नहर भी थी जो अभी सूखी हुई थी। और ये मेन जो जलाने की जगह थी, पहले ये ऐसे खुली थी लेकिन अब ये ऐसे बंद रखते हैं क्योंकि बंदर वगैरह आ जाते हैं, तो प्रसाद वगैरह यहीं चढ़ा सकते थे और कहीं पे भी नहीं चढ़ाना हमें अलाउड था। जोत भी यहीं जलती थी। हम यहाँ पे जो जोत जलाने वाले थे वो भी हमें अंदर ही रखनी थी, हम बाहर नहीं रख सकते थे। ये छोटा वाला भाई है जो पूजा कर रहा था, मम्मी उन्हें उससे बता रही थी, हर चीज़ें समझा रही थी कि ऐसे ऐसे करना है, जो उन्हें ही जलानी थी दोनों को। तो यहाँ पे ये ना बहुत पहले बहुत सारा खुला एरिया था पूरा, जब हम आए थे तो बन रहा था बट इतना नहीं बना था। हम खुद ही अभी इस टाइम पर पहचान नहीं पाए थे कि ये इतना अच्छा बन चुका है, पहला बहुत कच्चा था। ये यहाँ पे सारा अभी ही बना है, सब कुछ अभी ये मतलब धीरे धीरे तैयार हुआ है। यहाँ पे ये ना मेरे भाई है ना जो महाराज जी थे, उनसे बात करते हुए थे जो यहाँ पे संभाल रहे हैं इनको, बहुत सालों से यहाँ पे चीजें देख रहे हैं, संभाल रहे हैं इन्हें। यहाँ मैं थोड़ा सा अपना लुक देती हुई, लौटते टाइम ना तो ढाबे पे रुके थे, जो कि वो एक पेट्रोल पंप वालों ने ही अंदर बनाया हुआ था। यहाँ पे हमने थोड़े से पकोड़े वगैरह चाय वगैरह पी क्योंकि सुबह से हम निकले हुए थे, थक गए थे, भाई भी गाड़ी चलाते चलाते थक गया था, तो सोचा थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। पेट्रोल पंप के अंदर ही ढाबा था, बहुत अच्छा ढाबा था, बहुत अच्छा खाना था, सर्विस भी बहुत अच्छी थी।
मैं मतलब पहली बार देखा जो पेट्रोल पंप के अंदर ही पेट्रोल पंप वालों ने ढाबा बनाया हुआ था। यहाँ पे ना खुदाई हो रही थी, बहुत अच्छी मिट्टी थी, तो मम्मी को थोड़ा सा मौका मिला। उन्हें ना गार्डनिंग करने का बहुत शौक है, तो उन्हें ना लगा कि उन्हें प्लांट्स वगैरह के लिए मिट्टी बहुत अच्छी दिखी, तो उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि वो थोड़ा सा हमें मिट्टी दे दें। तो मम्मी एक कट्टा भर के मिट्टी लेकर आ गई थी वहां से। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं वीडियोस को डेली डालने की कोशिश करती हूँ, बट मुझे नहीं टाइम मिल पाता, जॉब भी होती है, थोड़ा सा घर में भी टाइम नहीं मिल पाता, बट कोशिश यही रहती है कि मैं वीडियोस डेली डालूँ। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे सभी को।